सब जो रिस्पेक्टेबल म्यूजिक के पर्सनैलिटीज हैं, हमारे परिवार का एक हिस्सा रह चुके हैं, और हमारे परिवार रिश्तों की बात करते हैं तो ये रिश्तों का एक और एक अगला दौर हम सारेगामा पर एग्जाम्स के सीजन के द्वारा आपके सामने लेके आ रहे हैं। बैक टू स्कूल ये हमारी थीम है, और हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, इन सब को इस सीजन में हमने बुलाया है गाने सुनने के लिए और अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए। तो ऐसे कोई बच्चे होते हैं जैसे मैं भी था, उसको स्कूल के क्लास के अंदर मैं कम बैठा हूँ और मस्ती करने की वजह से स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर ही बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स में शायद ढंग से परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक आर्ट फॉर्म उनमें मौजूद रहता है। उस आर्ट फॉर्म को सबसे पहले उसके ऊपर संस्कार होते हैं टीचर्स और स्कूल से, तो इसीलिए हम लोग उनको भी सम्मानपूर्ण रीति से इस सीजन में आमंत्रित कर रहे हैं, और उनको इस सीजन में वी ऑल आर फ्रॉम द सेम फैमिली एंड आई एम रियली हैप्पी टू लॉन्च दिस सीजन सारेगामा पर लिटिल चैंप्स। लिटिल चैंप्स का ये छठवां सीजन है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे डिबेट्स हुए। हम लोग एक्चुअली इनिशियली सोच रहे थे कि टॉप 10 टैलेंट को ही लेके आएंगे, फिर वो 10 के 12 हो गए, 12 के 15 हो गए, और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कमी बच्चों को इस मंच पर ला रहे हैं, लेकिन एक हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो इन 15 बच्चों को और बच्चियों को पेश करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। Massive number
और जो टैलेंट है हमारे पास वो तो आपने उसकी एक झलकी देखी है, लेकिन हमारे टॉप 15 कौन होंगे, वो 15 आवाज़ें कौन होंगी, कौन सी होंगी जो हमारे जजेस के दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, हमारे जूरी मेंबर्स के दिलों को छू गई, कौन है वो नन्हे संगीतकार जो अपनी सुर और ताल से अपने मम्मी डैडी और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस सीजन में इन बच्चों को मेंटर करेंगे सुरों के बादशाह कंपोजर टर्न्ड एक्टर हिमेश रेशमिया। जोरदार तालियां हो जाए। द सोलफुल प्लेबैक सिंगर जावेद अली। और हिमेश जी और जावेद भाई को पहली बार ज्वाइन करेगी इंडिया के सबसे बड़ी सिंगिंग सेंसेशन नेहा कक्कर। जोरदार तालियां। आप थोड़ा एंथुसियास्टिक हो सकते हैं। ये कभी ये अराउंड सो मेनी एंथुसियास्टिक किड्स ऑल द टाइम हमको भी हाय होते हैं। हिमेश जी जावेद भाई नेहा आप तीनों ने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा समय बिताया है आपके बच्चों के साथ मैं तक भारी। प्लीज शेयर एक्सपीरियंस अब तक जो हमारे मेगा ऑडिशन हुए हैं फाइनली टॉप 15 हमें मिल गए हैं अब तक का जो सफर कैसा हमेशा। लेकिन सबसे पहले एक बात हमारे कोई बात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं एक बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सब यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं आपको और वर्ल्ड वाइड हम ये मानते हैं कि बच्चों में भगवान होता है बच्चों में अल्लाह होता है। जो मासूमियत होती है मासूमियत जो ग्रेट टैलेंट हमें मिली है तो इन बच्चों के दर्शन करने मुझे जो मिला है मेरे लिए बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है और इतनी धमाल इतनी मस्ती इतना मैं कभी हंसा नहीं इतना कभी मैंने एंजॉय नहीं किया लाइफ में। और एक स्लोगन जो यहाँ पर मैंने सीखा तो यही है जो मैं मानता हूँ जो आप लोग भी इससे बिल्कुल रिलेट कर पाए जो हमेशा हम इस शो पर कहते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम। एम आई राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके माता पिता के चरणों में भगवान होता है और हर मम्मी और हर डैडी में ईश्वर अल्लाह राम। और बच्चों में जो भगवान हमने देखा है डैडी जो देखा है सरस्वती माता का जो आशीर्वाद देखा है और जिस कॉन्फिडेंस से वो गा रहे हैं और जिस प्रोफेशनलिज्म से गा रहे हैं और इस टाइम का जो टैलेंट है जिस लेवल का अगर आज मैंने 700 गाने कंपोज किए हैं और मोर लेस सारे गाने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने हैं और मैं ये बोस्ट करने से ज़्यादा इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो गानों के बाद भी इन बच्चों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मुझे लगता है कि मैं जस्ट एक ट्यूटर हूँ। तो इन बच्चों को जो लेवल का मैं अपने सजदे में बार बार मेरा सर झुक जाता है इस उम्र में हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल पर वर्ल्ड वाइड इस तरह परफॉर्म कर सकें। तो एक एक बच्चा जो 15 बच्चे हैं वो अपने आप में एक ऐसा नगीना है ऐसा तुरंत परफॉर्मर है कि तो कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं उनकी शख्सियत को जाहिर करने में मैं मेरे पास कम नहीं बिकॉज वो बच्चों में जेन्यूनली भगवान कि इस लेवल का टैलेंट कॉन्फिडेंस सारे बैठे हुए हैं ऑडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे आ जाए तो आउट से और इतनी मासूम है। तो ये चीज़ इस चैनल के शो पे जो हम बार बार कहते हैं कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया वो रियलिटी शोज में हम लोग ये कहते हैं हाँ भाई ये रियलिटी है ये टीआरपी गेम है ये टीवी गेम है सब कुछ है हाँ भाई वो है लेकिन साथ साथ इस कार्यक्रम पर चैनल में जो बच्चे हैं वो भी अनबिलीवेबल है वो इतने जेन्यून है कि उसमें आपको कोई टीआरपी गेम कोई रियलिटी वो सब नहीं दिखे और लगे का कि हाँ शिक्षा का प्रसाद में कोई कोई डिवाइन स्वरूप आ चुका है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत शुक्रिया
मैं सीखने के लिए चाहता हूँ कि मैं 6 सीजन हो चुके हैं कंपटीशन से और 2 सीजन में मैं कंपटीशन से बचा हूँ, लेकिन यकीन के साथ मैंने ऐसा पहले कभी जैसा इस बार आपको सुनने को मिलेगा कंपटीशन हो चुका है। सही बात है क्योंकि ऐसे जो ये बच्चे इस एज से इस एज में ये बच्चे उस एज में स्टेज में खड़े रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आके ऐसा सिक्सर मार के जा रहे हैं कि मतलब वो एकदम हैरान रह जाते हैं और हम हैरान रहते हैं। जब ये टेलीकास्ट होगा, जब ये लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट क्या होगा, क्या ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस लोगों ने देखे कि मतलब जाने के बाद जब शूट खत्म होने के बाद में भी हम जाते हैं अपने घरों में, तो 2-3 दिन तक उसका एक घुनाटा रहता है हमारे साथ। इतना कमाल का ये टैलेंट हम लोगों ने, आप लोगों ने लेकर आए, और आप यकीन मान सकते हैं कि अगर 1 लाख बच्चे को सुनकर 15 टॉप कंटेस्टेंट लोग लेकर आए तो वो क्या लगे होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते। और ये पढ़ा साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि सारे गामा पा लिट चैनल या सारे गामा अपने यहाँ पे एक ऐसा शो है जहाँ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और कुछ नहीं, एक्स फैक्टर कितना भी हो लेकिन अगर टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं। और यहाँ पे हम आपके सामने सिर्फ जबरदस्त माइंड ब्लोइंग टैलेंट लेकर आए और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे जो अभी हम रिवील नहीं करना चाहेंगे, वो आगे आपको पता चलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं इतना मज़ा आ रहा है हमारे जो जो जजेस हैं, नेहा है, अचार है, आदित्य है, सब इतना एक फैमिली एटमोसफियर लगता है और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक रियलिटी शो देखते हैं, तो ऐसा लगेगा इट्स लाइक अ फैमिली, तो वो एक कनेक्ट करेगा लोगों के साथ। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो बच्चे हैं हम सभी को इतना शुक्र और सुना को सुबह थैंक यू सो मच। आपके पास शेयर करेंगे बहुत ही जरूरी है, आप पहली बार इतनी टेलीविजन पे जज बने वो भी सीधा सारे लोगों पर। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि हाउ हैप्पी आई एम मैं इस शो का पार्ट बनी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये भी मेरे पिता का मेरे पापा उन्होंने भी मेरे पापा मम्मी पूरी फैमिली हम लोग बहुत बड़े फैंस रहे हैं सारेगामा के सारेगामा लिटिल चैंप्स के। एंड मुझे खुशी और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने एक रियलिटी शो से एज अ कंटेस्टेंट शुरुआत की और मैंने यू नो टेबल के उस पार से शुरुआत की है जहाँ आप इतने डरे हुए होते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या होगा, कब रहे होते हो। एंड देन कुछ ही सालों में मैंने वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, मैं कंटेस्टेंट से एक जज बन गई हूँ और मैं चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो इतने प्यारे प्यारे अमेजिंगली टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ कि कैसे वहाँ से यहाँ तक आया जाता है। एंड आई वुड लव टू ग्रूम देम, आई वुड लव टू यू नो शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम, और मेरा सौभाग्य होगा कि इतने प्यारे इतने अमेजिंगली टैलेंट बच्चों को टैलेंटेड बच्चों को मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना जो भी मैंने सीखा है वो दे पाऊँ अपनी तरफ से। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सारेगामा पा फॉर मेकिंग मी जज, मेकिंग मी जज ऑफ द शो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं आई एम एज नर्वस एज द कंटेस्टेंट्स इन द शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक कंटेस्टेंट से जज बना लिया। एंड बच्चों आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आप लोग इस शो में इतने अमेजिंगली टैलेंट जो आया है हमारे शो में, जो कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखाने वाले हैं कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। तो आप लोगों का भी थैंक यू कि आप हमारे शो में आए क्योंकि आप लोग सुपर ऊपर टैलेंटेड हो। एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां दोनों ने भी करें। सो या आई थिंक मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं
बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और वो आपको कम्प्लीटली शो में दिखने वाला है. और आपका जो आप जो टैलेंट देखेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे डिफरेंट टैलेंट आपको हमारे शो पे दिखने वाला है. एंड देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ह्यूमर, मस्ती, हंसना, नाचना, गाना सब होने वाला है एक ही शो पर. सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड. जब जब मैंने अपनी फिल्मों में गवाया है वो आज बहुत 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 बड़े बड़े सिंगर्स, 15-20 ऐसे सिंगर्स. और रियलिटी शो में लिटिल चैंप्स क्योंकि बच्चों का शो है तो मैंने सलमान भाई के लिए एक ऐसा गाना बनाया जो स्पेशली बच्चों के लिए है. वो गाना जब भी रिकॉर्ड होगा, बहुत जल्द होगा, मैं वादा करता हूँ कि वो लिटिल चैंप्स के उस बच्चे विनर से ही. सो दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. एंड बिकॉज इवन सलमान खान लव्स किड्स एंड दिस सॉन्ग इज अ सुपर हिट सॉन्ग, सो दैट सॉन्ग डेफिनेटली विल बी रिकॉर्डेड बाय देम एंड दैट्स समथिंग आई प्रॉमिस. एंड जब भी मैंने कहा है जो है सब सिंगर को, जब मैंने बोला है 100% मेरे साथ में जो दो बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड जो दो लोग खड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि जिनको मैं जो ये दोनों लोग मुझे हमेशा से इतना इंस्पायर करते हैं. ये चार इतने कमाल के म्यूजिक कंपोजर हैं, जावेद जी इतने कमाल के यू नो सिंगर हैं. इन दोनों के साथ मैं ये जजेस पैनल शेयर करी हूँ. सो आई एम आई बी रियली लकी. थैंक यू सो मच. तो हम दादू भैया मम्मी वाले भी कहते हैं, वो मम्मी वाले क्यों कहते हैं वो आपकी सुनिए. बहुत बढ़िया और सरप्राइज है. देखिए ये खुश इतने हो रहे हैं तो यहाँ से ही वो खुश हो रहे हैं. जब आपको पता चलेगा कि वो जादू भैया मम्मी वाले क्यों कहते हैं तब आपको पता चलेगा कि वो खुश होने वाली बात है या फिर कोई डरने वाली बात है. सर मेरा खुश होना भी इस बार पकड़ में आ जाता है. और आदित्य तो हमारे कमाल 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 के होस्ट हैं. और मुझे लग रहा है कि अब यू नो पिछली बार जब आयुष्मान के साथ मैंने कोई शो किया था उनकी फायदा तो वो स्टार बनेगा और उसके बाद उसकी बिकी डोनर आ गए. तो आदित्य के लिए मैं ये पक्की बात कहता हूँ और जब भी मैं ये कहता हूँ कि ये होस्ट स्टार बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता ही है. लेकिन आदित्य तो उतना टैलेंटेड है कि वो डिजर्व करता है सुपर स्टार बनने के लिए. तो उसको बहुत अच्छी फिल्म मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त वो फिल्म हिट होगी. जैसे मैंने आयुष्मान के लिए कहा था वो बात मैं पक्का आदित्य के लिए कहता हूँ और वो भी होगा. उसकी ज़बरदस्त बिकी डोनर टाइप की या बिकी डोनर जैसी या अलग कोई भी गोल्ड वाली बहुत ज़बरदस्त फिल्म आएगी जिसको सारे अवार्ड्स और कमर्शियल सक्सेस मिलेगी. मेरे दिल से दुआ ये होगा क्योंकि ये बात मैंने जब आयुष्मान के लिए भी बोली थी तब लोगों को बिलीव नहीं होता था, तब वो बात हो गई थी. एंड आई जस्ट प्रे कि भगवान मेरा साथ दे और ये बात आदित्य के लिए सोच सकता है. आए हुए हैं वो लोग दिल से दुआ करें बिकॉज यहाँ बैठे सभी शख्स के लिए हम भी और हम कलाकारों की तरफ से आपके लिए दिल से दुआ है कि आपके बैठे सभी शख्स यहाँ बैठे सभी शख्स की हर दुआ हर मनोकामना ऊपर वाला कबूल करें. और इन बच्चों को हम सबको बहुत दुआएं दीजिएगा शो के लिए क्योंकि बहुत दिल से हमने बनाया है. और ये लाइन हो सके तो ज़रूर 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 प्रिंट कीजिएगा बिकॉज ये एक ऐसा मैसेज है जो हर इंसान रिलेट करता है, फील करता है. और हम चाहते हैं कि ये मैसेज हर जगह फैले कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान. ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम. प्लीज डू दैट फॉर अस, विल बी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच.
नियाज़मंद है सा।